मोदी के खिलाफ नफरत को आधार बनाकर आपस में जुड़ रहे हैं SP BSP नितिन गडकरी। मिशन 2019 के मद्देनजर दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही BJP की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। BJP की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 10,000 कार्यकर्ता, सभी सांसद और विधायक शामिल हो रहे हैं। दोपहर 12:30 PM मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर से जुटे करीब 12,000 कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक को चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। कल बैठक के पहले दिन राम मंदिर का मुद्दा भी उठा। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को अगड़ी जाति के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान करने और वस्तु एवं सेवा कर GST में राहत प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया और उनका विशेष आभार जताया। राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अखिलेश और मायावती के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि वे केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत को आधार बनाकर आपस में जुड़ रहे हैं। अवसरवादी विरोधाभासी महागठबंधन का एक हास्यास्पद संयोजन है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी SP और बहुजन समाज पार्टी BSP की सीटों और गठबंधन का औपचारिक ऐलान लखनऊ में हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव BSP सुप्रीमो मायावती के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। बुआ मायावती और भतीजे अखिलेश की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के गोमती नगर स्थित ताज होटल में चल रही है। बता दें कि 26 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद SP BSP में आई दूरी के बाद यह पहला मौका है जब दोनों पार्टी के नेता एक साथ मीडिया से रूबरू हुए।